खूबसूरती एक ऐसा तोहफा है जो हर कोई अपने साथ लेकर पैदा होता है। ये किसी भी चीज में हो सकती है। अगर नेचर की बात करें तो ब्यूटी कहलाता है, इंसानों की बात करें तो वो गुड लुक्स कहलाता है। अगर अन्य किसी फील्ड या स्पोर्ट्स की बात करें तो उसे टैलेंट या प्रतिभा का नाम दिया जाता है। खूबसूरती हर किसी को पसंद होती है, तभी तो आईपीएल के कैमरामैन भी सुंदर लड़कियों पर बार बार फोकस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी सुंदर लड़की को खुद ही अपने चेहरे पर तेजाब डालते हुए देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा वाहिया सवाल है, इतना भी मूर्ख कौन हो सकता है? कोई बेवकूफी होगा जो अपनी खूबसूरती को खुद ही तबाह करे। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में कई गॉड गिफ्टेड टैलेंट आए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल ड्रीम के माफिक की थी, जिनके खेल में खूबसूरती यानी उनमें टैलेंट तो भरपूर था और क्रिकेट पंडितों ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग तक मान लिया था। उनमें दमखम भी पूरी दुनिया के फैंस के दिलों में राज करने का था। सफलता की बुलंदियों पर पहुंच एक बड़ा खिलाड़ी बनने का वो रास्ता उनके सामने था, लेकिन उन्होंने कभी अपने टैलेंट की कद्र नहीं की और खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अपनी काबिलियत का गला घोट दिया। इन खिलाड़ियों ने कभी अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया। किसी को उसकी लालच ले डूबी तो किसी ने फ्रेंचाइज क्रिकेट के आगे ही आत्मसमर्पण कर देश से खेलने पर फुल स्टॉप लगा दिया। किसी को शराब की लत तो किसी को उसका खराब एटीट्यूड ले डूबा। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन अंजाम इन सभी का एक जैसा ही रहा और जिस अर्ज पर उनका मुकाम उनकी राह देख रहा था, अफसोस हो कभी उस उपलब्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाए। आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपना सुनहरा भविष्य बिगाड़कर अपने टैलेंट का गला घोट दिया। 70-80 के दशक की वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप किसी भी टीम किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए नाइटमेयर हुआ करती थी, लेकिन एक बार ये दौर गया, वो दिग्गज रिटायर हुए, उनकी लेगेसी को आगे किसी खिलाड़ी ने नहीं संभाला और ये टीम बुरी तरह से बिखर गई और लगा कि अब वो फास्ट बॉलिंग फिर से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तभी एक जोशीला एक कमाल की फिजिक वाला बॉलर आया जो 150 से गेंद डाला करता था और बैटिंग भी जबरदस्त करता। अपने करियर की शुरुआत में वेस्ट इंडीज के लिए कई शानदार पारियां खेल उसने खूब नाम कमाया और अक्सर हमें सुनने को मिला आंद्रे अंदर गेंद बाहर। लेकिन फिर आंद्रे रसल की ईगो इस कदर बढ़ गई कि उन्हें देश से ऊपर पैसे प्रिय हो गए। अपने टैलेंट और करियर की नुमाइश कर उन्होंने वर्ष भर जगह जगह की बड़ी छोटी लीग खेलने शुरू कर दिए और देश के लिए साफ इनकार कर दिया। टैलेंट की तो उनमें कभी कोई कमी नहीं थी, उनके जैसा पावर बिग हिटर भी अधिक देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन रसल शायद ये भूल गए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको सिर्फ चंद रातों का फेम दिला सकती है और दौलत दिला सकती है। स्टार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर ही बनते हैं। कुछ बड़ा नाम बनाना है तो देश के लिए तो खेलना होता है। माना वेस्ट इंडीज बोर्ड की घटिया पॉलिटिक्स ने उन्हें ठीक से मैनेज नहीं किया, लेकिन रसल ने भी खुद के टैलेंट का सत्यानाश कर दिया। गेम में सुधार करना तो दूर, उन्होंने खुद को केवल वन डायमेंशन प्लेयर बनाकर रख दिया जिसके पास ना ही अब कंसिस्टेंट स्पेस है ना ही कुछ खास बैटिंग। 10 में कभी एक मैच में चल गए तो ठीक, वरना बिलो एवरेज। इसलिए कहते हैं टैलेंट बिना हार्ड वर्क के जीरो है। इसी तरह रसल ने अपने टैलेंट का गला घोट सिर्फ पैसों से प्यार किया और फ्रेंचाइज क्रिकेट के सानिध्य में रहकर एक इंटरनेशनल लेजेंड और टॉप ऑलराउंडर बनने के मौके को गवा दिया। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर तो लगभग खत्म हो चुका है और उनका फीका परफॉर्मेंस देखकर फ्रेंचाइजी करियर भी कुछ ही समय का बचा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रसल ने अपने टैलेंट और करियर का खुद ही सत्यानाश कर लिया। विनोद कांबली हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर है। विनोद कांबली शेन वार्न जिसपिन के सबसे बड़े जादूगर थे, उनके जैसा टैलेंट ना ही किसी प्लेयर में पहले था ना ही आगे होगा, जो जीरो हेल्प वाली पिच पर भी एलियन स्पिन करा दिया करते थे। लेकिन एक प्लेयर था जिसने इनकी नाक में दम कर दिया था। इनके एक ओवर में 22 रन ठोक दिए थे। ये वो खिलाड़ी था जिसका एवरेज सचिन विराट से कहीं आगे था, जिसने अपने करियर के 2 इनिंग्स में लगातार दोहरे शतक और 3 पारियों में लगातार 3 टेस्ट शतक ठोक दिए थे, जिसे अपने बचपन के दोस्त सचिन से भी अधिक टैलेंटेड माना जाता था। जी हाँ, विनोद कांबली वो नाम जो 90s में क्रिकेट गलियारों में हर फैन हर बच्चे की जुबान पर था। इतना टैलेंट था इस खिलाड़ी में जिसकी कोई तुलना नहीं, लेकिन उनका एटीट्यूड और बिहेवियर उनके टैलेंट के बिल्कुल विपरीत था, जो उनको ले डूबा, जिसने उनका गेम भी बिगाड़ कर रख दिया। ताबूत ने कील ठोकने का काम किया उनकी शॉर्ट बॉल कमजोरी ने, उन्होंने इसमें कभी सुधार नहीं किया। नो फीट मूवमेंट और रेस्ट शॉट्स, जहाँ तेंदुलकर ने दबा के हार्ड वर्क और अपनी स्किल्स फिटनेस पर काम किया, वही कांबली वो शख्स थे जो आई एम परफेक्ट वाले एटीट्यूड से अपनी गेम खराब कर अय्याशी में जुट गए। यही उनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी जिसने उस प्लेयर का करियर खा लिया जिसने कभी क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार लीजेंड नहीं बनने दिया। उनका करियर केवल 17 टेस्ट और 105 एक दिवसीय में सिमट कर रह गया। उनकी शराब की आदत, रात को पार्टियां करने की लत और बैड एटीट्यूड ने 20-25 हजार इंटरनेशनल रन वाले पोटेंशियल के प्लेयर को सिर्फ 3,500 रनों तक सीमित कर दिया। अपने पतन का कारण और दोषी विनोद कांबली खुद है। जब वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने डेब्यू किया था तो काफी सुर्खियां बटोरी थी। विश्व कप में उन्होंने सनसनी मचा दी थी, क्या भारत क्या ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड। नरेन के स्पिन की गुत्थी सुलझने में सभी देशों के प्रीमियर बल्लेबाज भी नाकाम रहे थे। अपनी मिस्ट्री बॉल
और कारगर औजार नकल बॉल से उन्होंने काफी सफलता पाई और विश्व भर के क्रिकेट पंडितों और फैंस को अत्यधिक मनोरंजन देने वाले इस खिलाड़ी ने अपने एक छत्र राज से स्पिन गेंदबाजी को फिर से जीवित कर दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जिस सबका हमें डर था, एक बार नहीं बार बार, और वो भी तब जब नरेन अपने करियर की पीक पर थे और विश्व के नंबर एक T20 और ODI बॉलर थे। इससे किसी भी गेंदबाज की रिदम खराब हो जाती है। कई बार एक्शन सस्पेंड होने के बाद नरेन ने वापसी तो की एक अलग एक्शन के साथ, फिर वैसा ही उन्होंने इम्पैक्ट भी डाला। 2014 चंकिंग का वो दाग जिसने उनके अच्छे खासे करियर को डिस्टर्ब कर दिया और ICC ने 2015 में उन्हें क्लियर तो किया, लेकिन फिर 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग से बैन कर दिया। वेस्टइंडीज बोर्ड ने उन्हें सपोर्ट और एक्शन सुधार का दावा किया, लेकिन अब जैसे ही लगा कि सब ठीक ठाक है, नरेन 2019 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, फिर उनके रिश्ते अपने बोर्ड के साथ खराब होते चले गए। कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं, बल्कि वही पुराना इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसके परिणाम स्वरूप नरेन ने खुद को पूरी तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट को समर्पित कर दिया और खुद को वेस्टइंडीज से दूर कर दिया। इसके बाद 2021 और 22 के वर्ल्ड कप में भी वो टीम में नहीं थे, क्योंकि अपने अवेलेबिलिटी पर अपने क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। 2019 के बाद से नरेन इंटरनेशनल क्रिकेट से लुप्त हो गए। नरेन अब वेस्टइंडीज के लिए खेलना नहीं चाहते, अभी केवल फ्रेंचाइजी क्रिकेट और IPL के ही दिग्गज बनकर रह गए हैं। देखकर कितना दुख होता है कि जिस बॉलर में 500-600 विकेट लेने की इतनी काबिलियत थी, इतना टैलेंट था, बल्ले से भी खूब धूम मचाने का कैलिबर था, उसने अपने टैलेंट का कैसे गला घोट दिया। फैंस के मन में आज भी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में न खेलने के फैसले से नफरत है और सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनके सरेंडर करने पर मलाल है। वो आज भी लीजेंड तो हैं, पर सिर्फ फ्रेंचाइजी के। जो तबाही इंटरनेशनल क्रिकेट में मचा सकते थे वो एक ख्वाब ही रह गया। ABD Villiers, केविन पीटरसन, हाशिम अमला, ये क्रिकेट के वो दिग्गज हैं जिन्होंने अपने कातिलाना बल्लेबाजी से विश्व भर में अपना लोहा मनवाया और बड़े से बड़े गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाले इन खिलाड़ियों से जब उनका सबसे कठिन गेंदबाज पूछा गया तो सबका एक ही जवाब था, मोहम्मद आसिफ। वो गेंदबाज जो सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, लारा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का काल था। आमतौर पर आज जो गेंदबाज 120-30 की गति से बॉलिंग करें उसे भागता हुआ स्पिनर कहकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन एक गेंदबाज इस गति पर खोखार गेंदबाजी कर बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया करता था। सेम रिस्ट पोजीशन से इंस्टिंग और आउटस्विंग कराने वाले आसिफ ने विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी थी और ऐसा टैलेंट ना ही विश्व क्रिकेट में पहले आया था और ना ही आगे आएगा, जो इतने सहज एक्शन में गज गज भर बनाना स्विंग कराया करता था। गेंद मोहम्मद आसिफ से बातें करती थी, मानो एक बच्चे की तरह उनका कहना मानती थी, जब कहीं अंदर तो इन स्विंग और जब कहीं बाहर तो बाहर निकल जाती थी। विश्व क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स उनके हाथों बनने थे, मात्र 23 टेस्ट में 106 विकेट यानी लगभग 5 विकेट हर मैच में, ये दर्शाता है कि विकेट की भूख किस कदर थी। अभी तो कई पुराने रिकॉर्ड्स टूटने थे, हो सकता है कि पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर भी आज आसिफ होते। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बहुत बड़ा जहर है जो खुद को ही खत्म कर देता है। आसिफ ने तो पहले ड्रग्स लिए, वो पदार्थ जो क्रिकेट के खिताब में सख्त मना है। डोपिंग ने तो केवल कुछ समय के लिए उन्हें सस्पेंड किया, लेकिन 2010 लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की, जो जानबूझकर नो बॉल डाल अपने टैलेंट की नुमाइश की। उसके लिए क्रिकेट जगत उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने अपने हाथों अपने एक लेजेंडरी करियर का गला घोट दिया। अगर वो अपराध आसिफ न करते तो आज विश्व क्रिकेट में ऑल टाइम ग्रेट्स में शुमार होते। जब विश्व क्रिकेट की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट और बेस्ट बॉलर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने 2003 में क्रिकेट को अलविदा कहा और सभी क्रिकेट फैंस के कंधे मायूसी से झुक गए थे और सभी लगभग ये मान बैठे थे कि न केवल पाकिस्तान बल्कि विश्व क्रिकेट को अब कोई उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला लेफ्ट आर्म पेसर कभी नहीं मिलेगा जो 145 प्लस से पेस बॉलिंग करे, साथ ही गेंद को दोनों तरफ लहरा कर बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल कर दे और लाइन लेंथ तो ऐसी हो कि खुद क्रिकेट के भगवान सचिन भी चकमा खा जाए। लेकिन तभी कुछ समय बाद एंट्री होती है पाकिस्तान के एक 17 साल के लंबे चौड़े बॉलर की, जिसके पास इतनी कम उम्र में ही ये सारी कला एक तोहफे की तरह थी, जिसने आते दुनिया भर के बैट्समैन को बेहद परेशान किया। ये बॉलर थे मॉडर्न स्विंग के सुल्तान, जिसमें वसीम सी ही झलकियां थी। मैच कुछ ही मैचों में अपनी दहशत मचा, उसने क्रिकेट जगत में खूब नाम कमाया, लेकिन अभी तो उसने अपने पैर जमाए ही थे कि अपनी जिंदगी और करियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। और 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट में जो स्पॉट फिक्सिंग की और वो 2 किलोमीटर लंबी नो बॉल, वो क्रिकेट की सबसे काली और शर्मनाक याद है, जिसके बाद उन्हें 5 साल का बैन लगा, जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद उसने वापसी की, फिर से बुलंदियां हासिल की। दुनिया भर की लीग क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, सब में बस आमिर का ही नाम। अब जैसे लगा कि आमिर अपने टैलेंट और कला की कद्र करेंगे, तभी आमिर ने पहले रेड बॉल से और फिर 2019 में क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। हालांकि टैलेंट स्पार्क उनमें आज भी है, लेकिन जो मुकाम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करना चाहिए था उस बने बनाए सुनहरे राह को आमिर ने खुद ही स्वाहा कर दिया। इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्रिकेट जगत में और कुछ नहीं हो सकता। आमिर ने अपने टैलेंट का खुद ही गला घोट दिया। तो दोस्तों, ये थे विश्व क्रिकेट के कुछ सर्वश्रेष्ठ टैलेंट जो अपनी नादानी और बेवकूफियों की वजह से कभी दिग्गज का टैग हासिल नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, हमारी मेहनत को साकार करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।